कि नंदन उपाध्याय अपनी पत्नी मनोरमा को पूर्व से प्लानिंग कर किस तरह से हत्या करता है, यह आप देख सकते हैं। देवकी नंदन उपाध्याय अपनी पत्नी मनोरमा को पूर्व से प्लानिंग कर हत्या का यह राज उपाध्याय की देवकी नंदन अपनी ससुराल जिला भिंड तहसील महगाम के ग्राम दतेरा से पत्नी मनोरमा को 5 बजे मोटरसाइकिल पर बिठाकर रवाना होता है। मनोरमा को यह नहीं पता था कि मेरा पति ही आज मेरी हत्या करेगा। देवकी उपाध्याय देवकी नंदन उपाध्याय ने झिंगनी नहर के पास मनोरमा की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं में कट्टे की गोली मारकर घायल हो गया। कारण गले में मंगलसूत्र लर 3 अंगूठी उतारकर इसको गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया था। चंद पैसों के लालच में देवकी नंदन ने अपनी पत्नी मनोरमा की हत्या की। एसपी असित यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी हेडक्वार्टर डीएसपी मानवेंद्र सिंह कुशवा के मार्गदर्शन में थाना माता बसैया अपराध क्रमांक 3619 धारा 394 397 302 आईपीसी 11-13 एमपीडीपी एक्ट के तहत आरोपी देवकी नंदन उपाध्याय को पकड़ा गया है। मौत है पति का। रात में सूचना मिली थी कि पति पत्नी ये भिंड से लौट रहे थे रात में, तो 10:30-11 बजे के आसपास ये खबर मिली पति के द्वारा कि पत्नी को गोली लगी है और उसे भी चोट आई है। तो मौके पे पत्नी को गोली लगी हुई थी, बाकी अभी पीएम हाउस में है और लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको भी चोट है। बाकी इंक्वायरी की जा रही है, क्या जा रही है। तो लूट की घटना का ऐसा अभी बता रहे हैं, पर उसके जो कान और गले में बता रहे हैं जो पहने हुआ था वो नहीं है, और बाकी पैरों में हाथों में जो चीज़ें थी वो सुरक्षित हैं। तो इस चीज़ें सारी जानकारी की जा रही है, जाँच जांच जारी है, अभी नहीं कोई आज ही को लगा दे भाईपाल को, आज ही को आएगा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी फोन लगा के। यहाँ पे जो हमारे जो सस्पेक्ट था उस
उससे पूछताछ की गई तो सबसे पहले उससे पूछा कि कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, तो उसने बताया कि ससुराल है वहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ से आ रहा था और बताया कि मैं अपने घर 1:30 बजे निकला था और 5 बजे वहाँ से चला। तो कुछ कुछ चीजें थी कि 5 बजे चला और 9:30 बजे वहाँ पे पहुंचा, तो 4.5 घंटे क्या था। तो उसने कहा कि 20 मिनट में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चला गया था। जो रास्ता है आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम का रास्ता है वो, तो उससे और फर्दर पूछताछ की गई, उसमें जो हमारे एडिशन साहब है उनकी भी अच्छी वो रहा योगदान है। तो फिर उसने बताया कि कुछ कुछ की था, मैंने बीच में 2 बार ड्रिंक किया, एक उसने बताया था कि अम्बा के पास, एक कोरसा के पास, और क्योंकि उसके मुंह से स्मेल भी आ रही थी। तो ठीक है।